बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो जी आज जो है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज है शब-ए-मेराज, और शब-ए-मेराज के मौके पर जो है वो माशाल्लाह से जो है हमारे एरिए में, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे पूरे पाकिस्तान में जो है इस वक्त रोशनी की जाती है, चरागे किए जाते हैं, जो है मिलाद का समा हुआ है माशाल्लाह से हर जगह हो रहा है। अभी मैं बाहर से ही आ रही हूँ और माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा है बाहर, जो है इतनी रोशनी हो रही है, रोशन करा हुआ है पूरा, जो है लाइटिंग वगैरह की हुई है हमारे जो है ना रोड्स वगैरह पर लाइटिंग की हुई है, बहुत ही खूबसूरत जो है वो डेकोरेट किया हुआ है पूरी गली एरिए को अपने, जो पूरा रोड है हमारा माशाल्लाह। और जो हमारे पीछे एक है मस्जिद माशाल्लाह, उस पर तो जो है वो ग्राउंड, हमारे सामने ग्राउंड है, वहाँ तक माशाल्लाह इतना ज़्यादा जो है उन्होंने क्राउड इकट्ठा किया हुआ है, और माशाल्लाह से वहाँ पर टेंट्स वगैरह लगाकर जो है वो पूरा एक मिलाद का अहतमाम किया गया है आज, और बयान वगैरह भी चल रहे थे, जेंट्स का मिलाद हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। और इसी के साथ जो है ना आज का करते हैं जी ब्लॉग स्टार्ट। तो आज जो है वो शब-ए-मेराज है, और यहाँ पे अफनान भी तैयार हुआ है। अफनान टोपी जो है ना सही से नहीं पहनी, अफनान ने इतनी बड़ी टोपी पहनते हो अफनान, बड़ी छोटी टोपी कहाँ आपकी, छोटी टोपी कहाँ है, वो लेकर आओ ना यार। तो अफनान भी रेडी हो गए हैं और अफनान एक्साइटेड हैं, क्योंकि ना अभी फ़िलहाल जो है ना मैं सामान वगैरह लेकर आई थी, असल में मुझे जो ना मैं अपने सास ससुर की जो है वो तबारक वगैरह करवाती हूँ, जब रजब कुंडों के महीने में तबारक पढ़वाते हैं हम लोग। तो इस दफ़ा हुआ कुछ यूँ कि इतनी ज़्यादा मसरूफियात थी कि तबारक जो है ना मैं नहीं करवा सकी, तो अब जो है वो सामान लेकर आई हूँ मैं, और साथ ही जो है कुरान खानी वगैरह भी करवानी थी, क्योंकि मेरी अम्मी जो है सास जानेंगे उनकी बरसी भी आती है इसी महीने ना 22 रजब को, तो घर में जो है वो हमने फातिहा वगैरह करवा ली थी, इस सारे सवाब के लिए जो है वो सब कुछ करवा ली थी। लेकिन बाहर जो एक कुरान खानी का जो समा होता है ना वो नहीं हुआ था, लेकिन अब वो था कि यार कुरान खानी करवा लें, कुरान खानी नहीं हो सकी, इंशाल्लाह जो है वो भी अनकरीब करवा लें, क्योंकि अब जो है ना सोचा कि चलें कल करवा लेते हैं, तो अब यही हो रहा है कि यार सबके रोज़े होंगे, सब जो है 27 का और 26 का 27 का जो है रोज़ा रखते हैं, माशाल्लाह हमारे मुसलमान मेरे भाई जो है रोज़ा रखते हैं, और पता नहीं किस किस ने रोज़ा रखा हो, कोई आए या नहीं आए, और हम ज़्यादातर जो है दुनिया के तो करते ही रहते हैं, लेकिन आखिरत की तैयारी हम लोग नहीं कर रहे। तो बस अल्लाह पाक हम लोगों को जो है हिदायत दे और हिदायत के रास्ते पे चलाए, और अल्लाह पाक मैं भी अपनी भी बात कर रही हूँ कि नमाज़ 5 वक्त नमाजी बना दे, क्योंकि हम सारे काम अपनी जगह, लेकिन नमाज़ जो है वो उसका कोई भी जो है वो कम्प्रोमाइज़ ना हो। तो चलते हैं जी, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर जो है ना सोचने करा है जी, चीनी को और जो सूजी है ना हमारी उसको हम रख लेते हैं भिगो कर, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को भिगो देती हूँ, उसके बाद फिर जो है वो हमारे साथ कुंडों का जो आटा गूंदता है ना मिर्ची टीकियों का वो जो तैयार करेंगे, तो उससे पहले मैं इन दोनों को जो है भिगो देती हूँ, मुझे भिगोने से ना बहुत अच्छी नरम पास्ता बनती है। तो यहाँ से ना मैंने चीनी को जो है वो सूजी में भिगो देता पानी डालकर, और तकरीबन उसको जो ना इतना हमने भिगो देना ताकि वो चीनी जिससे मेल्ट हो जाए, इतना पानी डालना था, मतलब आधा कप के करीब पानी डाल दिया था मैंने 2 किलो चीनी में ना। और साथ ही यहाँ पर मैंने खोपरा, सफ़ेद तिल, खशखश और क्या था यार, हाँ, और इसके अलावा जो ना वो इलायची पाउडर, ठीक है, इन सब चीज़ों को और पिसा हुआ खोपरा, ये सब डाल के अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था हाथों की मदद से, ताकि यकजा हो जाए सब चीज़ें ना, तमाम इन्ग्रीडियंट। फिर साथ ही जो है इसको मैंने घी डाल के अच्छे से हाथों से रगड़ लिया था, और उसके बाद फिर ये देखें चाशनी तैयार कर ली थी मैंने ना, ये चाशनी बोल रही हूँ सॉरी, ये सूजी और चीनी वगैरह मिलाकर ना, तो उसमें थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और साथ ही जो इसको अच्छा सा जो है ना हमने एक ना ज़रा हार्ड होना चाहिए हमारा डो, ना ज़रा सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल जो नॉर्मल होता है ना ऐसा डो हमें तैयार कर लेना था इसका। तो यहाँ पर बड़ी मतलब इसमें ना बहुत मेहनत लगती है, और हाथों का कमाल ज़्यादा होता है, वो समझा, हाथों की मेहनत होती है उससे ज़्यादा इसमें, जितना आपके हाथ अच्छे चलेंगे मतलब डो के लिए, उतना अच्छी आपकी जो है वो टिक्की मीठी टिकिया बनेगी। तो देखें इस तरीके से मैंने ना हथेलियों की वजह से इसको वो कर रही थी, और यहाँ पर जो है ना मैंने आपको बताया था कि साथ ही अफरान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो अफरान जो है ना इसलिए एक्साइटेड थे क्यों, यहाँ पर जो ना वो मैं चिराग लेकर आई थी, मैंने कहा चलें जी आज जो है वो घर को रोशन करते हैं, रोशन से अच्छा लगता है घर, और वैसे भी जो है वो रोशन हर जगह रोशनी हो रही है, तो अपने घर में चिरागा क्यों नहीं करें हम, तो इसलिए बस चिरागा करने के लिए घर में ये ले आए थे। और साथ में यहाँ पे देखें आटा मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था यहाँ पे, और उसके छोटे छोटे जो ना मैंने पेड़े टाइप के बना के तैयार कर दिए थे, ताकि एक एक पेड़ उठा के उसको इस तरीके से बेल कर जो है वो उसकी मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ तैयार करनी थी। तो सब मिलकर जो है हम लोग बैठ गए थे बनाने के लिए, और बड़ा ही जो है तमाम के साथ बन रही थी हमारी पूड़ियाँ, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बन रही थी। और यहाँ पे मैंने ऑयल अच्छे से गर्म करने के बाद जो है ना इसमें मैंने ये डाल दी थी इसमें पूड़ियाँ,
और फिर उसके बाद जो है इसको जो गैस का फ्लेम था ना वो मैंने बिल्कुल मीडियम कर लिया था। तो बहुत अच्छी बनती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। और असल में ये सब बनाने का मेरा मकसद था ना वो यही था कि जो है चीज़ जो है हमारी अच्छी बने, और बनाने का मकसद यही था कि भाई तबारक भी हो जाएगी साथ साथ और गेट टुगेदर भी हो जाएगी। काफ़ी टाइम से कुछ कोई आया भी नहीं था और ख़त्म वगैरह भी हम लोग करवाते रहते हैं, कुरान खानी रख देते हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ भी नहीं हो पा रहा था ना दो साल से तकरीबन। तो यहाँ पर जो है ना देखें माशाल्लाह कितना अच्छा समा बंधा हुआ है, सब जन आपको मिली बात की जो है वो बन रही है, और यहाँ पे जो है वो टिक्कियाँ बन रही हैं और बर्बा अफनान भी जो है लगे हुए हैं। अफनान ने जो है ना रोल को ना समेट के रख रहे हैं शायद, और इसके अलावा जो है ना वो रोल की फिलिंग वगैरह तैयार कर रहे थे, वो बना रहे थे। और इसके बाद जो है यहाँ पर दिए जो है ना वो जलाए थे हमने, और आपने देखा था कि दिए कितने खूबसूरत लग रहे थे जलने के बाद। तो यहाँ पर तस्लीम कर दिए थे गुला करना, मैंने कहा चलें थोड़ी सी जो है ना उसके बाद इसकी भी वीडियो बनाते हैं। और यहाँ अफनान ने भी जो है वो अफनान बड़े खुश थे। अफनान ने कहा कि यार मैं भी जो है वो आराम से कुछ करूँ काम, तो बार बार जो दिया बुझ रहा था उसको बार बार लेकर अम्मा ये बुझ गया इसको ठीक कर दें। तो बच्चे भी जो है ना काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, और बच्चों को पता है दीनी दिन होते हैं उनके बारे में उनको बताना चाहिए कि भाई देखें आज फला दिन है, आज जागने की रात है, आज ये वाला दिन है, आज जो है वो शब-ए-मेराज है, शब-ए-बरात है। तो सबको बच्चों को जो है नॉलेज देनी चाहिए ना, ताकि बच्चों को भी जो है वो हमारे दीन के बारे में मालूम हो, हमारी नमाज़ों के बारे में, हमारे इबादत के बारे में सब मालूम हो, ताकि कल को बच्चे भी जो हैं वो फिर जाहिर से बताएं जो हम सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं। तो यहाँ पर और टिकिया भी प्रिपेयर साथ हो रही थी, और बार बार कैमरा भी जो है वो मैं उठा के वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ा थोड़ा सी क्लिप लेती रहूँ। तो यहाँ पर जो है फिर से इसको जो है फ्राई करना है, डीप फ्राई में रखना इसको फ्राई कर करके तो नवाफिल से फारिग होने के बाद यहाँ पर सहरी का तमाम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर जो है ना मैं खीर तैयार कर रही हूँ। सुबह हो गई है और जागे थे रात में हम लोग, नवाफिल वगैरह पढ़ के फिर वो सहरी वहरी करी, रोज़ा का तमाम किया, सहरी का तमाम किया, इसके बाद फिर जो है वो रोज़ा रख के फिर इसके बाद हम सो गए थे। तो उठी हूँ मैं, जुम्मे का टाइम है, जुम्मे की नमाज का टाइम हो रहा है, और जल्दी से मैंने सोचा चलें पहले खीर प्रिपेयर कर लेते हैं। पहले मैंने चावलों को अलग से उबाल लेती हूँ, पता नहीं कि मुझे आदत है, मेरी खीर ना मुझे जल्दी अच्छी लगती है। तो चावल मैंने ज़्यादा भिगो दिए थे, कनकी चावल होते हैं ना वो भिगो कर, और मैंने उसको जो है वो एक गिलास पानी में डालकर जो है उसको अच्छे से पका लिया था, इतने के जब बिल्कुल नरम से हो गए थे ना, उसके बाद फिर उसको मैंने इसकी वजह से ना जो मैशर होता है इसकी वजह से उसको अच्छे से मैश कर लिया था। इसके बाद फिर मैंने क्या करा उसको इसमें डाल दिया है, और तो जनाब यहाँ पे हमारी खीर जो है वो रेडी हो गई है, और साथ ही जो है ना यहाँ पर मेहमान भी आ गए थे, जहाँ जहाँ हमने बुलावा दिया था मतलब ख़त्म के लिए सब आ गए थे, नेबर्स वगैरह सब आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो जी नाश्ता के लिए जो है वो लगा देते हैं अब। तो यहाँ फातिहा के लिए जो है ना वो टिक्कियाँ और खीर ली थी मैंने, और इसको जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो फातिहा दिलवा ली थी। साथ ही जो है ना यहाँ पर दस्तखान लगा हुआ था और सब बातें कर रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था, सब आ जाते हैं बैठ जाते हैं साथ, क्योंकि अब किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि अपने घर से निकल के किसी के घर जाए। पहले तो ये होता था कि भाई हर दो घंटे जो है ना लाजमी निकालने पूरे दिन में से अपने पड़ोसियों को या अपने महल वालों को या दोस्तों को टाइम देने के लिए, लेकिन अब जो है ना इतना फुर्सत नहीं है, इतना तक वो दो वाला जो है ना दौर चल रहा है कि हर कोई जो है वो अपने काम से काम में लगा हुआ है। तो बस यही होता है छोटे से कि गेट टुगेदर भी जाती है और थोड़ा सा घर में जो है वो ख़त्म वगैरह भी जाता है, जिससे घर में बरकतें होती हैं। तो बस यही मकसद होता है करवाने का ख़त्म, इसके अलावा तो कोई मकसद नहीं होता। और ये है कि भाई मरहूमीन को जो है सवाब मिल जाता है, सारे सवाब के लिए भी किए करवाते हैं,
तबालक जो है सूरह मुल्क अज़ाब कब्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसलिए भी करवाई जाती है ये। और यहाँ पर हो गया था हमारी अफ्तारी का टाइम, और अफ्तारी के लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम दो लोगों ने घर में रोज़ा रखा हुआ था, तो हम लोग जो है रोज़े की प्रिपरेशन कर लेते हैं अफ्तारी की। मतलब वो चीज़ होती है सारी, बस पापड़ जो है वो तली थे एक्स्ट्रा, इसके अलावा जो है वो जो है फ्रूट चाट बना ली थी, बाकी टैंक वगैरह बना लिया था, साथ में वही सब चीज़ें रखकर, और फिर हमने मज़े मज़े से जो है यहाँ पर अफ्तारी कर रहे थे। तो आज की हमारी जो है ना वो यही था हमारी वीडियो शबे मेराज से रिलेटेड, शबे मेराज और उसके रोजे से रिलेटेड। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वक्त मिल सके। इंशाल्लाह फिर आप लोग हाजिर होंगे एक अच्छे से इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। तब तक कैमरा रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा नवीन हसन ब्लॉग को। जी जी डायरेक्ट, अल्लाह हाफिज़।